ओके जी, इस लेक्चर में हम बेसिकली लीनियर डिले मॉडल देखेंगे, ठीक है ना। बेसिकली लीनियर डिले मॉडल जो है ये एक फर्दर सिंप्लीफिकेशन है ऑफ डिले एनालिसिस, ठीक है। और इसकी बेसिस कुछ इस तरह है कि अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक इन्वर्टर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इस इन्वर्टर की अपनी एक डिले होगी जिसको हम पैरासिटिक डिले कह रहे थे, ठीक है ना, या FET डिले कह रहे थे, याद आ रहा है ना आपको, या आउटपुट, FET आउटपुट हम उसको कह रहे थे। अगर मैं सिर्फ इस एक इन्वर्टर को अलहदा ले रहा हूँ तो उसकी कोई यहाँ पर आउटपुट जो है उस पर कोई कैपेसिटेंस होगी, इसके इनपुट पे कैपेसिटेंस होगी, ठीक है ना, और इस इन्वर्टर की अपनी कोई रेजिस्टेंस होगी, लेट सपोज वो RN भी हो सकती है, RP भी हो सकती है। मैं इस अजम्पशन के साथ जाऊंगा कि RN इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू R, सो इसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस है और आउटपुट्स पे कैपेसिटेंस है, आउटपुट और इनपुट पे। तो अगर ये इन्वर्टर जो है, ठीक है, ये बिल्कुल ये किसी और इन्वर्टर के साथ, गेट के साथ किसी भी बाकी सर्किट को ड्राइव ना कर रहा हो, तो इसकी जो डिले है, ठीक है ना, जो कि आर और लेट सपोज सी आउट है या जो भी इसकी डिले है, ठीक है ना, ये जो है इसकी ये पैरासिटिक डिले होगी, पैरासिटिक डिले इसकी कोई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर लेट सपोज ये इन्वर्टर बाकी किसी इन्वर्टर को ड्राइव कर रहा है, किसी और इन्वर्टर को ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, सो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ सी आउटपुट है और कोई लोड नहीं है, तो मेरी कुछ डिले आ रही है जिस डिले को मैं पैरासिटिक डिले पी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी अपनी डिले है इस गेट की। अगर ये यहाँ पर मैं लोड इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं एक इन्वर्टर स्टार्ट करूं तो फिर कनेक्ट करूं इसके साथ, तो क्या होगा, मेरे पास अब कुछ लोड आएगा, एक एक पैरासिटिक डिले होगी और एक इस लोड की वजह से डिले आएगी जिसको हम CL कह रहे थे, ठीक है ना, याद आ रहा है ना आपको, लोड कैपेसिटेंस की वजह से जो डिले आएगी। तो अगर मैं इस लोड को इंक्रीज करता जाऊंगा, यस सर, ठीक है, अगर मैं इस लोड को इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये डिले जो है ये इंक्रीज होगी। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ये जितना भी हम लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है ये डिले जो है ये हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। सो इसी को बेसिस बनाकर अगर डिले एनालिसिस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय कंसिडरिंग इनपुट्स और आउटपुट जो कैपेसिटर्स हैं हम उनको देख लें, ठीक है ना। सो डिले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिले की इक्वेशन और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे मुराद मेरी क्या है। सो लेट सपोज दिस इज जी प्लस एच, अच्छा एक जी प्लस पी, ठीक है ना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इनमें की जितनी भी टर्म्स मैं अब डिफाइन करने लगा हूँ ये सारी नॉर्मलाइज्ड टर्म्स हैं, ठीक है ना, नॉर्मलाइज्ड यूनिट है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉर्मलाइज्ड डिले। नॉर्मलाइज्ड डिले से मुराद क्या है कि हम एक रेफरेंस इन्वर्टर लेंगे, ठीक है ना, एक रेफरेंस इन्वर्टर लेंगे और इससे कंपेयर करके इसको ये लेट सपोज ये हमारे पास रेफरेंस इन्वर्टर है, तो बाकी जो डिलेज हम फाइंड करेंगे वो इस इन्वर्टर के नॉर्मलाइज्ड होगी। इससे मुराद क्या है, थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसमें ये जो फैक्टर है दिस पी, दिस इज पैरासिटिक डिले, ठीक है,
ये पैरासिटिक डिले है, और ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास कंबाइंडली, इसको हम कह सकते हैं एफर्ट डिले, यानी ये गेट जो है, ये गेट का डिले हमें बता रहा है, ठीक है ना, ये गेट कितनी एफर्ट कर रहा है, ठीक है ना, उस एफर्ट की वजह से कितनी डिले आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये गेट कितनी एफर्ट कर रहा है टू ड्रॉ दिस थ्री इन्वर्टर्स, टू ड्राइव दिस थ्री इन्वर्टर्स, ठीक है ना। ये जो है, ये जो इस एफर्ट की वजह से जो डिले आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम एफर्ट डिले कहते हैं। और बेसिकली ये हम इसको एफ से, बाद जगहों पर एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। हम डी को यूं भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू एफ प्लस टी, ठीक है ना। टी पैरासिटिक डिले है, वन बाय वन मैं आ रहा हूँ, जी से क्या मुराद है, एच से क्या मुराद है, पी से क्या मुराद है। डिले को हमने बेसिकली दो टर्म्स में डिवाइड किया है, एक एफर्ट डिले और एक पैरासिटिक डिले, ठीक है ना। पहले जरा एफर्ट डिले के इन दो टर्म्स को देख लेते हैं, विच इज जी, दैट इज हम इसको बेसिकली कहते हैं ये ये लॉजिक एफर्ट है, ठीक है ना। दैट इज लॉजिक एफर्ट, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल एफर्ट, ठीक है। एंड द थर्ड वन, ये जो, ये तो पैरासिटिक डिले है। अच्छा, लॉजिक एफर्ट से मुराद क्या है? अब यहां पर नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र होगा। लॉजिक एफर्ट से मुराद हमारी ये है कि जिस गेट का हम एफर्ट मालूम करना चाह रहे हैं, एक मिनट, हेलो, बात करते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा था कि हमारे पास लॉजिकल एफर्ट जो है, बेसिकली दैट इज रेशो ऑफ सी इन ऑफ गेट, ठीक है ना, जिस गेट का हम लॉजिक एफर्ट फाइंड करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज टू डिवाइडेड बाय दिस रेफरेंस इन्वर्टर के सी इन, ठीक है ना। सी इन ऑफ रेफरेंस इन्वर्टर कह लें, या बुक में इसको इन्वर्टर कह रहे हैं, ठीक है ना। ये लॉजिकल एफर्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एफर्ट जो है, इलेक्ट्रिकल एफर्ट, ये बेसिकली दैट इज द रेशियो ऑफ फैन आउट ऑफ दिस इन्वर्टर, ड्राइविंग इन्वर्टर, यानी इस इन्वर्टर का अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो ये तीन गेट्स को वो कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं यूं पर लिख सकता हूं कि लोड, ये कितने लोड को ड्राइव कर रहा है विद सी इन ऑफ इस गेट की सी इन क्या है, ठीक है ना, जो जो उसको ड्राइव कर रहा है। ये एक इसका इलेक्ट्रिकल एफर्ट हुआ। एक लॉजिकल एफर्ट है, लॉजिकल एफर्ट बेसिकली लेट सपोज ये गेट है, इस गेट का, ठीक है ना, इस गेट का इनपुट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय जो रेफरेंस इन्वर्टर हम लेंगे, जबकि इलेक्ट्रिकल एफर्ट जो है वो इस गेट के लोड कैपेसिटेंस, कितनी लोड ड्राइव कर रहा है, डिवाइडेड बाय इसी गेट के इनपुट कैपेसिटेंस, ठीक है। और पैरासिटिक जो हमारे पास डिले है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पी इज इक्वल टू, दैट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ सी आउट ऑफ द गेट, ठीक है ना। अगर इस गेट को मैं, जो भी गेट हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मलाइज टू सी आउट ऑफ इनपुट। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तीन टर्म्स आप याद रखें, लॉजिकल एफर्ट, इलेक्ट्रिकल एफर्ट एंड पैरासिटिक डिले, ठीक है ना। और हम बारी बारी इसको देख लेते हैं कि इससे मुराद मेरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल चलें,
ये एक अच्छी एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसी को हम कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक इन्वर्टर है, वी कॉल दिस रेफरेंस इन्वर्टर, ठीक है ना, ये रेफरेंस इन्वर्टर है हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं यहां पर इस इन्वर्टर को यहां पर देखें, इसका सी आउट क्या है, सी आउट अगेन 2+1, सो जो भी इसका सी आउट है, ठीक है ना, लेट सपोज इसको मैं 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड सी इन इज ऑल्सो 3C, सो मैं बजाय 3C लिखने के मैं 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब मैं एक लॉजिकल एफर्ट फाइंड करना चाह रहा हूँ, जितने भी मैंने लॉजिकल एफर्ट, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल एफर्ट और पैरासिटिक डिले ऑफ, लेट सपोज इस टू इनपुट इन्वर्टर, टू इनपुट ये कौन सा गेट है हमारे पास, दैट इज नैंड गेट, इस नैंड गेट का मैं लॉजिकल एफर्ट फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो यहां पर देखें, मुझे कलर चेंज करना होगा ताकि रेड और ब्लैक दोनों पर मैं लिख सकूं। सो यहां पर देखें, आपके ख्याल में, इस ये जो हमारे पास नैंड गेट है, टू इनपुट नैंड गेट है, इसका सी इन कितना होगा, टू, देखें इस नोड पर देखें कितनी कैपेसिटेंस है, कितने यूनिट कैपेसिटेंस है, 2+2, 4, ठीक है ना, ये दोनों, इसका साइज भी 2 है, सो 2 इनपुट 2 जो है 2C यहां पर होगा और 2C यहां पर होगा, सो 4, ठीक है ना, सो सी इन इसका 4 है। सो लॉजिकल एफर्ट जो होगी वो सी इन ऑफ दिस गेट डिवाइडेड बाय सी इन ऑफ इन्वर्टर, ठीक है ना, सो सी इन ऑफ गेट क्या है, दैट इज 4, डिवाइडेड बाय सी इन ऑफ इन्वर्टर क्या है, सी इन ऑफ इन्वर्टर इज 3, ठीक है ना, सो 3, सो दैट इज इन दिस केस वी हैव 4/3 लॉजिकल एफर्ट, क्लियर है ये। अच्छा, इसका लॉजिकल एफर्ट कितना होगा, अगर यूनिट इन्वर्टर हम ले रहे हैं तो इस केस में हमारे पास लॉजिकल एफर्ट 1 होगा, तो यूनिट इन्वर्टर का लॉजिकल एफर्ट हमेशा हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है। एच चूंकि हम यहां पर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर कोई लोड नहीं है, सो इसलिए फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर फिलहाल इसको ड्राइव नहीं कर रहा, सो मैं इसको छोड़ रहा हूं। अच्छा, पैरासिटिक कितना है, पैरासिटिक अगेन डिपेंड करता है इसका आउटपुट कैपेसिटेंस कितनी है, सो यहां पर देखेंगे आउटपुट कैपेसिटेंस कितनी है, सी आउट, या चलें पैरासिटिक को भी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेता हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ लॉजिकल एफर्ट पर रह जाता हूँ, ठीक है ना, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो लॉजिकल एफर्ट इसका ये है, और लॉजिकल एफर्ट जो है उसका लॉजिकल एफर्ट ये अब टू इनपुट नॉर गेट है, नॉर टू, ठीक है, तो लॉजिकल एफर्ट इसका कितना होगा, अगेन मैं यहां पर इनपुट पर देखूंगा, इस इनपुट पर कितनी हमारे पास कैपेसिटेंस हो सकती, ठीक है, इस इनपुट पे देखें 4 यूनिट ये है, सो 4C ये हुआ प्लस 1 यूनिट ये है, सो यहां पर हमारे पास 5C इनपुट कैपेसिटेंस है, या 5 इनपुट कैपेसिटेंस, सो सी इन इज इक्वल टू 5। अब अगेन जी ऑफ दिस कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि सी एन ऑफ गेट डिवाइडेड बाय सी एन ऑफ रेफरेंस इन्वर्टर, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको ये क्लियर है तो फिर आप मुझे ये बता दें कि यहां पर ये जो मैं एंड गेट बना रहा हूं, लेट सपोज मैं 3 इनपुट नैंड गेट बना रहा हूं, ठीक है, दैट इज ए बी
एंड सी, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है ना। अगेन दिस इज टू यूनिट, ठीक है ना, जो हम में से पहले पढ़ते आ रहे हैं फॉर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस जो मैंने लास्ट टाइम करवाई थी, एंड अगेन दिस इज वन यूनिट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका लॉजिकल एफर्ट कितना होगा? जी अच्छा, सॉरी, यहां पर टू नहीं है, वन नहीं है, दिट शुड बी थ्री, ठीक है ना। थ्री इसलिए क्योंकि थ्री सीरीज में कनेक्टेड है, हमारे पास तीन ट्रांजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, सो इट शुड बी थ्री। ये चलें, बेसिकली हम लॉजिकल एफर्ट तब फाइंड कर सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ दिस वन, कि ये और इसके करंट जो है वो सेम करंट ड्रॉ कर रहा हो। अगर सेम करंट उसने ड्रॉ करना है तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथ शुड बी सेम, ठीक है ना, इसलिए हमें यहाँ पर थ्री रखना होगा। एनी हाउ माई क्वेश्चन इज कि लेट सपोज मैं इनपुट ए पर सी इन फाइंड करना चाहता हूँ, तो कितना होगा हमारे पास सी इन, कितना होगा? फाइव, ठीक है ना। सो अगेन लॉजिकल एफर्ट कितना होगा? फाइव डिवाइडेड बाय इन्वर्टर का कितना है सी इन, दैट इज थ्री, सो 5/3, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक और गेट लगा लेता हूँ, सॉरी एक और इनपुट लगा लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज डी, और यहां पर भी मैं एक और इनपुट लगा लेता हूँ, दैट इज, लेट सपोज दैट इज डी, ठीक है ना। सो अब यहां पर इसको क्या होना चाहिए? इट शुड बी फोर, ठीक है ना। अब चार ट्रांजिस्टर्स हमारे सीरीज में आ रहे हैं, सो ये अब फोर 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 एंड फोर, तो अब कितना एफर्ट होना चाहिए? जी अब यहां पर कितनी कैपेसिटेंस होनी चाहिए? तो ये मैं G3 कर देता हूँ, और लेट सपोज G4, अब फोर नैंड गेट के लिए कितना होना चाहिए? दैट शुड बी सिक्स, 6/3, ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं है तो बता दें, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी सर क्लियर है जी। ओके सो ये एक टेबल दिया हुआ है, लॉजिकल एफर्ट्स ऑफ कॉमन गेट्स, ठीक है ना, कॉमन गेट्स की लॉजिकल एफर्ट जो है उसका एक टेबल दिया हुआ है। इन्वर्टर के लिए वन ले रहे हैं, ठीक है ना, इन्वर्टर के लिए वन होगा। नैंड के लिए देखें, फॉर टू इनपुट नैंड गेट हमने निकाला था 4/3, फॉर थ्री इनपुट नैंड गेट इट वॉज 5/3, एंड फॉर फोर इनपुट नैंड गेट इट वॉज 6/3। इस तरह आप नॉर गेट, और मैं चाह रहा हूं कि आप इन दोनों को नॉर गेट के लिए और एक्सनॉर के लिए आप इसको कंफर्म कर दें, ठीक है ना, एक दफा घर जाकर। सो जनरलाइज जो है वो इस तरह किया जा रहा है कि लेट सपोज वी हैव एन इनपुट गेट, तो नैंड गेट के लिए होगा एन प्लस 2/3, बाई थ्री जो है दैट इज द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ रेफरेंस इन्वर्टर, ठीक है ना। एंड अगेन ये दोनों में आएगा, नैंड नॉर बाकी भी जितने भी हैं, बाई थ्री जो है दैट इज कॉमन, ठीक है। सो फॉर नैंड गेट हमारे पास एन प्लस टू है, एंड फॉर नॉर गेट वी हैव 2n+1, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर लें, सिंपल से स्टेप्स हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको आपकी, और ये भी आपकी थोड़ी सी वो भी हो जाएगी, ठीक है ना। अनदर थिंग इज पैरासिटिक डिले, लेट सपोज इसी चीज का हम पैरासिटिक डिले फाइंड कर लें, ठीक है ना। अगेन वी हैव सी आउट, नाउ वी नीड अ सी आउट ऑफ दिस इन्वर्टर, सो सी आउट को सी ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितना है? 2 यूनिट + 1 यूनिट, सो 3 यूनिट, हमारे पास 3 सी आउट है, ठीक है ना। सो सी आउट ऑफ इन्वर्टर जो है दैट इज 3, ठीक है। अब हम इसका पैरासिटिक
पैरासिटिक डिले फाइंड कर लेते हैं। सो पैरासिटिक डिलेज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगेन, हम सी आउट ऑफ जिस गेट का हम फाइंड करना चाह रहे हैं डिवाइडेड बाय सी आउट ऑफ रेफरेंस इन्वर्टर। ठीक है, सो लेट सपोज मैं अब पैरासिटिक डिले ऑफ दिस नैंड टू फाइंड करना चाह रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर आउटपुट पे अब कितनी कैपेसिटेंस है इसकी, सी आउट ऑफ नैंड जो है ये कितना है, दैट इज 2 यूनिट, और इस नोड पर अगेन 2 यूनिट, सो 4 यूनिट है। ठीक है, सो सी आउट ऑफ नैंड गेट 2 जो है दैट इज 4 डिवाइडेड बाय C ऑफ 3। सो अगेन ये चूंकि पिछली वाली तो आप इसको ना कंसिडर करें, यहां पर देखें सो पी नैंड 2 इज अगेन हमारे पास 4/3 आ रहा है। यहां पर देखें नॉर गेट में हमारे पास अब क्या आ रहा है, सी आउट दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। ठीक है, सो पी नॉर ऑफ 2 जो है, ठीक है, दैट इज 5/3। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आप नैंड ऑफ 3 का फाइंड करें। सो मैं सिर्फ, अच्छा दैट इज ए, और इसी तरह ये बी है, दिस इज सी, अगेन वी हैव दिस बी इनपुट एंड वी हैव दिस सी इनपुट। ठीक है, अब यहां पर लेट सपोज यहां पर मैं कैपेसिटर फाइंड करना चाहता हूँ, तो कितनी कैपेसिटेंस है सी आउट की, दैट इज 2 + 2 + 2, चूंकि ये सारे जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, आउटपुट नोड के साथ सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सो 6 + 3 9। ठीक है ना, सो अगेन फॉर पी नैंड 3 वी हैव 9/3 विच इज इक्वल टू 3। आई थिंक आई मेड सम सर मिस्टेक, ये पिछले का गलत पिछले का गलत है ना, गलत दैट हो इज 2 + 2 + 2 दैट शुड बी 6। ठीक है, 6 / 3 दैट शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये गलत किया मैंने, मैंने सिर्फ इसको लिया, सो ये भी और ये भी, ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, सो इट शुड बी 3, और इसी तरह अगर आप 4 का फाइंड करें, 4 इनपुट NAND गेट, इट शुड बी 4 अगेन टू फाइंड। अच्छा यहाँ पर भी अब चूंकि 4 है एंड 1 + 1 सो इट इज ऑल्सो 6, 6 / 3 विच इज इक्वल टू 2, और पी नॉर 3 कितना होगा, अगेन यहाँ पर 4 के बजाय अब हमें यहाँ पर 6 6 और 9, सो इसका भी 9 होगा, 9 / 3 सो इक्वल टू 3। सो पैरासिटिक डिले जो है वो आप रफली आप कह सकते हैं कि जितना जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वही उसका पैरासिटिक डिले है। अगेन दिस इज नॉर्मलाइज्ड पैरासिटिक डिले, नॉर्मलाइज्ड विद रेफरेंस ऑफ दिस रेफरेंस इन्वर्टर। ठीक है, पैरासिटिक डिले में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सो हम यहाँ पर पैरासिटिक डिले ऑफ कॉमन गेट्स कह सकते हैं, इन्वर्टर के लिए हमारे पास 1 है, नैंड 2 इनपुट NAND के लिए 2 है, 3 के लिए 3 4, सो एन, एंड अगेन वी हैव दिस नंबर ऑफ नॉर गेट के लिए हमारे 2 इनपुट के लिए 2 3 4 एंड एन, सो पैरासिटिक डिले इज प्रीटी मच सिंपल, जितने हमारे पास इनपुट हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, वो हमारा पैरासिटिक डिले को डायरेक्ट हम मैप कर सकते हैं। अदर देन दिस एक्सॉर और एक्सॉर के लिए मैं आपके छोड़े जा रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, एक एक्सनॉर गेट लें और फिर उसके पैरासिटिक डिले फाइंड करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है?
अच्छा, दी द फाइनल थिंग इज फैन आउट, ठीक है ना। फैन आउट बहुत सिंपल है। लेट सपोज वी हैव इन्वर्टर और यहाँ पर हम एक इन्वर्टर को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एच इज नथिंग बट लेट सपोज ये हमारे पास इन्वर्टर है, इसका सी एन जो है, लेट सपोज दिस इज यूनिट इन्वर्टर, सो सी एन 3 है। और लेट सपोज ये जो इन्वर्टर है, ठीक है ना, ये भी यूनिट इन्वर्टर है, सो अगेन दिस इज ऑल्सो 3, ठीक है ना। सो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो इसमें हमारे पास एच जो होगा दैट विल बी दी सी आउट डिवाइडेड बाई सी एन। सो कितने उसको ये ड्राइव कर रहा है, लोड हमारे पास कितना है, 3 है। सो 3 डिवाइडेड बाई 3 वी विल हैव 1। अगर लेट सपोज ये 2 इन्वर्टर्स को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी अगेन दिस इज 3। अगर ये 2 सेम इन्वर्टर्स को ड्राइव कर रहा है, सो वी हैव दिस लोड, अब हमारे पास 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय, ये सेकेंड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3, सो वी हैव 2। अच्छा, लेट सपोज दिस इज इन्वर्टर और मैं एक और इन्वर्टर ले रहा हूँ ठीक और ये मैं एक और इन्वर्टर ले रहा हूँ। लेट सपोज इस इन्वर्टर को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो बुक में इस चीज़ को यूँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि लेट सपोज दिस इन्वर्टर इज बिगर देन द अपर इन्वर्टर, ठीक है ना, और इससे मैं 2 लिख रहा हूँ। सो 2 का मतलब ये है कि अब ये जो इन्वर्टर है, ठीक है ना, इसके नैंड और नॉर गेट को, ठीक है ना, सॉरी नैंड कह रहा हूँ, पी मॉस और एन मॉस को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सो 2 यूनिट पहले था, मल्टीप्लाई बाय 2, 1 यूनिट पहले था, मल्टीप्लाई बाय 2। सो अब ये 4 यूनिट और 1 यूनिट का ट्रांजिस्टर हो, सॉरी 2 यूनिट का ट्रांजिस्टर हो, ठीक है ना, बाय 2 मीन्स दिस वन। सो अगर मैं इसको 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखें, अब हमारे पास आउटपुट पे कितनी कैपेसिटर, 4 प्लस 2, अभी हमारे पास 6 यूनिट कैपेसिटेंस आई, ठीक है, 6 यूनिट कैपेसिटेंस आएगी। सो यहाँ पर अब हमारे पास 6 यूनिट होगा और यहाँ पर 3 यूनिट होगा और अगेन वी हैव 3 यूनिट। सो इन थर्ड केस H3 शुड बी 9 6 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 होगा। लेट सपोज अगर मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मैं इस इन्वर्टर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब इसकी इनपुट कैपेसिटेंस जो है वो 3 टाइम्स होगी। सो इन दिस केस आवर लॉजिकल एफर्ट शुड बी 9 9, यहाँ से आ रहा है, डिवाइडेड बाय 9, अगेन वी हैव 1, ठीक है। सो लॉजिकल एफर्ट जो है वो आपके फैन आउट पे डिपेंड कर रहा है, और जो जो इन्वर्टर, अब यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, जो गेट बाकी इसको जो गेट लोड के साथ कनेक्टेड है उसकी इनपुट कैपेसिटेंस कितनी है, रेफरेंस इन्वर्टर की नहीं, जो गेट ड्राइव कर रहे हैं बाकी गेट्स, इसकी इनपुट कैपेसिटेंस कितनी है, इन दोनों का रेशियो है हमारे पास, ठीक है। सो अगर ये एक्स टाइम लेट सपोज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगी वो एक्स टाइम्स होंगी, ठीक है ना, एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 3x। और इसी तरह जो आउटपुट कैपेसिटेंस, सॉरी आउटपुट टू डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर कोई लोड है, ठीक है ना, फैन आउट है, ठीक है ना, इन तमाम को मैं लोड कह रहा हूँ। सो ये मेरे पास होगा CL/3, तो कॉमन है इनके लिए, इन सारों में से भी 3 हमारे पास आएगा। सो मैं इसको x भी कह सकता हूँ, याद 3x, x टाइम्स मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो x मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एनी क्वेश्चन?